वेलकम गाइस, आज हम सीखेंगे एडिशन करना, वो भी डबल डिजिट्स में। एडिशन मींस, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एडिशन मींस ऐड। एडिशन ऐड सेम थिंग होती है, तो मैं यहाँ पे ऐड लिख रही हूँ। हम डबल डिजिट में सीखेंगे, इसी वीडियो में हम बोरो का भी सीखेंगे। जैसे देखो, 223 + 54। यस, देखिए इसमें कैसे करना है। मैम अगर हम 23 लाइन्स और 54 लाइन्स ड्रॉ करेंगे इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे। जब भी आपके पास डबल डिजिट आती है, आपको क्या करना होता है, जो हमारी राइट हैंड साइड है, मींस दिस साइड। अब ये कैसे याद रखें, देखिए जिस साइड मार्क नहीं है, जैसे इस साइड तो प्लस का मार्क है, इस साइड किस भी चीज़ का मार्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस साइड मार्क नहीं है मींस दिस साइड, उस साइड हम पहले ऐड करते हैं। जैसे देखो, क्या 3 और 4 को ऐड करेंगे, हमें सबसे पहले 3 और 4 को ऐड करना होता है, फिर इन दोनों को ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले 3 लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम नीचे डिजिट क्या है, 4, 1, 2, 3, 4। ये ऊपर के 3 डिजिट, यहाँ पे क्या लिखा था, 3, हमने 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी। नीचे क्या लिखा है, 4, हमने 4 लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इनको ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा आंसर है 7। अभी ये सम पूरा नहीं हुआ है, अभी देखिए, अभी हम दूसरी साइड मूव करते हैं, मीन्स इस साइड का आप इसको यहीं पे हटा लेंगे, आप इसको समझेंगे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना। हम अभी हम इस साइड का देखेंगे, अभी हम इन दोनों का सम करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर वाली डिजिट क्या है, 2, यानी कि 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। नीचे क्या डिजिट है, 5, यानी कि 5 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 2 लाइन ड्रॉ करी पहले हमने, क्योंकि ऊपर 2 था, नीचे 5 है, तो हमने 5 लाइन ड्रॉ करी फिर बाद में। अब हम इनका सबका सम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या आ गया आपका आंसर, 7। हमारे इस सम का आंसर क्या आ गया, 77। इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस के लिए सम भी ज़रूर दूंगी, बट पहले हम बोरो सीख लेते हैं। सो बोरो को कैरी भी कहते हैं, वैसे बोरो कहते हैं बट कोई कोई कैरी भी कहते हैं, कि कैरी ले ले। देखिए क्या होता है इसमें, इसमें आपको मान लो ऐसे ही दिया गया हो, जैसे देखो आपने यहाँ पे ही करा था सम, हमने इन दोनों का सम करा, हमारे पास 7 आया, बट मान लो अगर हमारे पास 10 आता, यानी कि इस इनका सम करे तो हमारे पास 2 डिजिट के आंसर आते। ये तो सिंगल, ये तुम्हारा सिंगल डिजिट का आंसर है, बट अगर 2 डिजिट का 7 आता, जैसे 10, 11, 12, 13 एसेट्रा, तो क्या करते हम, अब इसमें हम बोरो का यूज़ करते। कैसे, देखिए इधर जैसे आपको दे दिया 74 + 47, इन दोनों का हमें सम करना है। ये प्रोसेस सेम रहेगा कि पहले हम राइट हैंड साइड का सम करेंगे। देखिए, सो पहले हम ऊपर क्या है, 4, तो हम 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। नीचे का डिजिट है 7, 7 लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनका सबका सम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 आ गया आंसर। अब क्या करेंगे हम क्या ऐसे रख देंगे 11 को, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 11 आए ना, 1 यहाँ लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड का 1 है, मींस हमारा इस 1 को हम इसके ऊपर मूव ला देंगे, इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी यहाँ पे लिखने से क्या होगा भाई, यहाँ पे लिखने से कुछ नहीं होता, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी जब इस साइड जब हम सम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी हम इनको पूरे का एक सम बना देंगे, इसको पूरे का सम बना देंगे हम। यहाँ पे तो 2 डिजिट का हमारे पास सम हो जाएगा, और इस साइड 3 डिजिट का पूरे का सम हो जाएगा। देखिए जैसे अब क्या है, 174, सबसे ऊपर वाला डिजिट क्या है, 1, तो हम 1 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या हमारे पास, 7, 7 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद क्या डिजिट है, 4, 1, 2, 3, 4,
अब इनका पूरे का सम करेंगे। ये देखिए वन हमने अलग से रखा है ना, ये वन हमारा सबसे पहले हमने अलग से रखा, उसके बाद सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हमने अलग से रखा, और नीचे का फोर जो है ये हमने अलग अलग रखा, तीन डिजिट थे तीन लाइंस के ग्रुप हो गए। सो अभी हम इनके पूरे का सम करेंगे, मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, हमारा आंसर क्या आ गया, ट्वेल्व। अभी देखिए आगे हमारे पास और कोई डिजिट नहीं है बोरों के लिए, तो हम पूरा का पूरा ये लिख रहे हैं, हमारा आंसर रह जाएगा 121। सो गाइस अगर आपको हमारा डबल डिजिट में सम करना और बोरो वाला सम करना अच्छे से समझ आ गया हो, सो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देती हूँ। देखिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले मैं बिना बोरो वाले क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन नंबर वन आपका बिना बोरो वाला है, 15 प्लस 24। क्वेश्चन नंबर टू आप बताइएगा, और क्वेश्चन नंबर थ्री ये दोनों आप बताइएगा बोरो वाला है या नहीं, और कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। 16 प्लस 59 एंड हमारे थर्ड क्वेश्चन है 10 प्लस 11, ये आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है, ज़रूर इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।